बस निकला हूँ यहाँ से, 10 मिनट में पहुंचूंगा। ठीक है, क्या हो भाई? आगे रास्ता बंद है, काम चल रहा है ना भैया? और कोई रास्ता है? और रास्ता ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सीधे आगे हाईवे पर मिलता है, इससे जा सकते हो आप लोग। थैंक यू, चलो इसी रास्ते से चलो। पंचर हो गया सर, स्टेपनी भी भूल गया आज। अब इस सुनसान रास्ते पे हम लोग क्या करेंगे? सॉरी सर, जल्दी में भूल गया। नेटवर्क क्यों नहीं है यार? सर आप परेशान मत होइए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं एसी फुल कर देता हूँ। चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। स्टेपनी चेंज करके फटाफट निकलते हैं। ठीक है, तू पैर खोल, मैं स्टेपनी निकालता हूँ। दहाड़े पूरी साजिश के साथ एक नई नवेली दुल्हन को अगवा कर लिया गया। हमारे यहाँ जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो समाज उल्टे उसी पर उंगलियां उठाता है, लेकिन जैसा कि यहाँ साफ जाहिर था, गलती इस महिला की नहीं थी, वो किसी साजिश की शिकार हुई थी। हर वारदात के पीछे अपराधी की खतरनाक सोच और उसका भयानक मकसद होता है, लिहाजा यहाँ सवाल उठता था कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन को यूं किडनैप करने के पीछे आखिर किसी का क्या मकसद हो सकता है। सुंदर,
हाँ दीदी, पता लगाया इनमें से कौन सी लड़की खूबसूरत? ये कार्ड वाली जो दुल्हन है ना रागिनी, इनमें सबसे ज्यादा सुंदर ही है। इतना मत रो रागिनी, सारा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। देखो काजल निकल निकल के बाहर आने लगा है, और घर पहुंचते पहुंचते ना सारा फेस काला हो जाएगा। ऐसा ना हो घर वाले तुम्हें देख के डर जाए। देखो अब अच्छी लग रही है ना, ऐसे अच्छी रहा करो तुम। हेलो भाई, अगर फोन पे बात करनी ना तो गाड़ी साइड में लगा, फिर आराम से बात करना। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हो, तो हमेशा चलाते हुए बात करता हूँ, कभी कुछ नहीं होता, आप बैठिए आराम से। भाई तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमेशा एक्सीडेंट ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। आप साइड में लगाओ। यस सर। अरे लगाओ ना भाई तुम। वेट, हाँ बस यहाँ से निकल गया हूँ, 15 मिनट में पहुंचूंगा। ठीक है अरे क्या हुआ भाई? अरे भैया आगे रास्ता बंद है। अरे भाई कल मैं इसी रास्ते से आया था, तब तो खुला था। ये क्या है, आगे पेट्रोल टैंकर पलट गया है, अब ये रास्ता 4 घंटे तक नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। ऐसे काम करो, वो रास्ता जो है ना वो बाएं तरफ वो सीधे हाईवे पर जाता है। ठीक है भाई चलो वहीं से चलो। क्या हुआ? हाँ पंचर हो गया सर। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करेंगे? टायर चेंज करो। स्टेपनी नहीं है। क्या स्टेपनी नहीं है? अब कैसे करेंगे सर? आपके भाई और पिताजी पीछे से आते होंगे ना, आप दोनों उनके साथ निकल। तब तक सर आप कार में बैठिए, मैं इसी ऑन कर देता हूँ। टंकी खोलो, बैग निकालना। अरे सर अभी घर जाके खोल लेना ना बैग। अब बैठो कर, गाड़ी में बैठो। मुझे बैग में से दवाई निकालनी है, जल्दी खोलो टंकी।
स्टेपनी है तो सही, तुम तो मने कर रहे थे। है, भूल गया था सर। तुम स्टेपनी भूल गए थे? चेंज करो। करता हूँ। रात भर जागे होंगे ना, इसलिए सो गए। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो हाथ टूटा हुआ है, दर्द कर रहा है। करता हूँ। हटो हटो, मैं करता हूँ। आप कर लोगे? हाँ कर लो। जाने कहाँ से पल्ले मारे। मुझे मारने का का छोड़ लड़की उठा। ले और ले। देखिए जैसा आप बता रहे हैं वैसे केसेस इससे पहले भी हो चुके हैं। ये लोग क्रिमिनल्स हैं। ऐसे क्रिमिनल्स पहले दूल्हा दुल्हन के लिए बुक की हुई गाड़ी वाले को फोन करते हैं, बुकिंग कैंसिल करवाते हैं, फिर अपनी गाड़ी लेके उसी जगह पे पहुंचते हैं और दुल्हन को किडनैप कर लेते हैं। ऐसे 3 केसेस पहले भी लखनऊ में हो चुके हैं। एक काम करो, हर थाने में खबर फैला दो, आसपास के एरिया में जहां भी शादी हो रही हो वहां पहुंचो सिविल ड्रेस में और दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दो, समझ गए? और इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, आप रागनी के बारे में पता कीजिए, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। अच्छा, आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी जिसने किडनैप किया था? हाँ सर, मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद। घबरा क्यों रही हो रागिनी? ये तुम्हारा अपना ससुराल ही है। मुझे क्या हुआ था? तुम बहुत ज्यादा थक गई थी ना, इसलिए गहरी नींद में सो गई थी। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे कमरे में भेजती हूँ। आप कौन है? मैं तुम्हारे पति की चचेरी भाभी हूँ। मेरा फोन किधर है?
मुझे ना घर पे बात करनी है। इतना परेशान क्यों हो रही हो रागिनी? देवर जी ने तुम्हारे घर वालों से बात कर ली है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखा सेठ, आपके लिए ही 16 श्रृंगार कर रही है। ये लो, इसके लिए तो पूरा ब्रीफकेस ले लो। ये लड़की नखरे तो नहीं करेगी ना? नखरे वाली के प्यार में ही तो मजा है। चाहिए, आप ही का इंतजार कर रही है। एक वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर रोज तकरीबन 200 लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, यानी हर घंटे 8 लड़कियां शिकार होती हैं। और एक बार अगर ये इस जाल में फंस जाएं, तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि अगर बाहर निकल भी जाएं, तो हमारा समाज इन्हें अपनाता नहीं है। हमारे समाज की इस सोच को बदलना होगा। क्या रागिनी समाज की इस सोच को बदलने की शुरुआत कर पाएगी? लेकिन फिलहाल तो उस बेचारी को खुद नहीं मालूम था कि वो अपनी ससुराल में नहीं बल्कि जगन और छाया जैसे खतरनाक अपराधियों की कैद में थी। क्या होगा जब असलियत रागिनी के सामने आएगी? क्या जगन और छाया के खतरनाक मंसूबों से खुद को बचा पाएगी वो? चिल्लाने से और ताकत दिखाने से कुछ नहीं होगा। आज की रात मैं ही तेरा पति हूँ। हटो, छोड़ो। तूने जिसके साथ साथ फेर लिया है ना, उसे तो इसने जान से मार दिया है, ये तुझे भी जान से मार देगा, समझी? देगी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, साथ देगी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। रुको, इस तरह मारपीट के स्वागत नहीं होगी। मदन सेठ, जब तैयार हो जाए तो मुझे बुला ले। हटो। मदन सेठ, सारा काम बिगाड़ दिया इस लड़की ने। अड़ियल है ये, ऐसे नहीं मानेगी। तुम लोग मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन मैं ऐसे गंदे काम कभी नहीं करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक! नहीं मानेगी। मार पीट करके इसका सुंदर चेहरा नहीं बिगाड़ना है, मगर हाँ
इसे सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। दो चार दिन खाना पीना बंद कर देना इसका, सारी चर्बी निकल जाएगी इसकी। ये क्या है? चल निकल जाओ। जगन, इसे इसी कमरे में बंद कर दे। यही आदमी था? हाँ सर, यही आदमी था सर। चार दिन हो गए लेकिन फिर भी इसकी अकड़ नहीं गई, अभी भी मान नहीं रही। इसको भी इस कमरे में बंद करेंगे ना, तब इसकी अकड़ निकलेगी। संभालो इसे। भूखी मर जाना चाहती है तू? क्या लगता है तुझे? बहुत तकलीफ झेल सकती है तू, लेकिन इन लोगों की बात नहीं मानेगी। नहीं, मैं इन लोगों की बात कभी नहीं मानूंगी। कुछ नहीं होने वाला हिम्मत दिखा के, कुछ भी नहीं। जिंदगी भर अब यही सड़ना है हम लोगों को। मैं भी लड़ी थी इन लोगों से, लेकिन भूख के आगे चार दिन में ही हार मान गई। उस दिन से हर रोज दुल्हन बन के सुहागरात मनानी पड़ती है। क्यों अपने आप को तकलीफ झेल रही है? कुछ हासिल नहीं होगा तुझे, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूं कोई भी लड़की अपनी खुशी से ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है हम लोग मर जाए। लोग शादी का पहला कार्ड भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन पहुंच हम जाते हैं। देखो इसमें से किसको उठाना है। जगन, जगन, तेरी फोटो से भी अखबार में वांटेड लिखा है, देख। ये कैसे हुआ? वो रागिनी का दूल्हा मरा नहीं, जिंदा है वो, और उसने इसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। जगन, पुलिस तुझे चारों तरफ ढूंढ रही है। मैं तो कहता हूँ कि अभी इस वक्त इसका बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। गलती हो गया, रागिनी के दूल्हे ने मुझे बिना चश्मे और कैप के देख लिया। जगन, अब जो हो गया ना उसे भूल जा और कुछ दिन तक शांति से घर पे बैठ। अब हम कुछ दिनों तक कोई भी नई दुल्हन नहीं उठाएंगे। अरे लेकिन 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 कुछ नहीं जगन। जगन, ये रिस्क लेने का वक्त नहीं है। दीदी ठीक कह रही है। इसे जरा सा ऊपर कर दे और हाँ, ऐसे इस तरह से सेट करना। हाँ हाँ बस, और ये पल्ला ठीक करना। ले खाना खा ले, छुपा कर लेकर आई हो तेरे लिए खाना। जया, मुझे जया, जया मेरे पति जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये देखो, ये आदमी तो वांटेड है और ये इश्तिहार उन्होंने ही दिया है। अरे पुलिस को तो इसके बारे में सब कुछ पता चल गया, देख यहाँ पे लिखा है। ओहो,
तो इसीलिए चार दिन से किसी नई दुल्हन का अपहरण नहीं किया इसने, और जबकि अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है। तुम लोग तैयार मत हो और उन लोगों की बात मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, वो लोग हमें मार भी सकते हैं। आप लोग क्यों डर रही हैं? डरना तो उन लोगों को चाहिए। देखो, अगर हम उनका साथ नहीं देंगे ना, तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी और उनको इस मजबूरी में बाहर निकलना ही होगा। और इस बार अगर जगन बाहर निकला ना, तो पुलिस उसे पक्का पकड़ लेगी। हम लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप लोग समझो। ये लोग बहुत खतरनाक है, हम लोगों को मार डालेंगे। अरे मारेंगे पीटेंगे तो ठीक है, चार दिन भूखा भी रखेंगे ना, तभी भी हम मरेंगे नहीं। लेकिन सोचो, थोड़ी सी तकलीफ सहन करेंगे ना, जिंदगी भर की आजादी मिल जाएगी। क्या हो गया तुम सबको, हाँ पागल हो गए क्या? तू चाहे जो भी कर ले, हम में से कोई तेरी बात नहीं मानने वाली। तू भी इस रागिनी की जुबान बोलने लगी, हाँ भूल गई जगन की बार, बुला उसे, हाँ जिसको चाहे उसको बुला ले, हम में से कोई तेरी बात नहीं मानेगा। अच्छा नहीं मानेगी जगन? इतनी हूँ कैसे नहीं मानती जगन, ये सब की सब बड़ी क्रांति दिखा रही जगत, तूने तो एक ही झटके में क्रांति को शांत कर दिया। अब किसे मरना है हा? जगन और छाया इन लड़कियों का जीवन तो तबाह कर ही रहे, अब इनकी उठती आवाज को दबाने के लिए और इन पर अपना डर कायम रखने के लिए उन्होंने जया की हत्या भी कर दी। निशंसता की सारी हदें पार कर चुके थे ये लोग। क्या होगा अब रागिनी के साथ? आवाज उठाने पर क्या उसका हश्र भी जया जैसा ही होगा, और क्या इस डर से वो खामोश हो जाएगी, या फिर अपने मजबूत इरादों के साथ इन अपराधियों का सामना करेगी? नहीं, अरे नहीं है हमारे पास कोई भी नई दुल्हन। अगर पुरानी दुल्हन में से कोई चाहिए तो बताओ। एक काम करो, अगले महीने फोन करो। दो दिन हो गए लेकिन इन लड़कियों में से कोई भी मान नहीं रही है, और तू बाहर जाके दुल्हन ला नहीं सकता है। समझ में नहीं आता है कि यह धंधा चलेगा कैसे। अब पुलिस के डर से और मैं घर नहीं बैठ सकता, कल ही नई दुल्हन उठाने जाऊंगा। जगन बाहर बहुत खतरा है। क्या धंधा बंद होने की नौबत आ रही? एक तो उठाना ही होगा मुझे। तू सही कह रहा है, रिस्क तो उठाना ही होगा। एक काम करती हूँ, कल सुबह सुंदर को बुलाती हूँ। अरे भाई गाड़ी कैंसिल करो, हमारी गाड़ी अरेंज हो गई। अरे भैया नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। अरे भैया शादी कैंसिल हो गई तो आपकी गाड़ी लेकर क्या करेंगे बताइए अभी। हाँ हाँ आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। जी हाँ सर, चार जगह से गाड़ी कैंसिल होने का फोन आया। मैंने चारों फैमिली से क्रॉस चेक भी किया, पर किसी ने भी दूल्हा दुल्हन वाली गाड़ी को कैंसिल नहीं करवाया। ये जो कोई भी है ना बहुत चालाक, चारों जगह अपनी टीम भेजो इमीडिएट। ओके सर।
सुंदर क्या हुआ जगन? इस बार दुल्हन की गाड़ी तू लेकर जा। क्यों? तुझे कोई नहीं पहचानता और मेरा स्केच पुलिस वालों के पास, तेरा नहीं, समझा? इस बार तेरा रोल मैं करूंगा, सड़क पर मजदूर बनकर मैं खड़ा रहूंगा, दुल्हन लेने तू जाए, अगर पुलिस पूछताछ करे तो डरना नहीं, मैं तो उन्हें शक हो जाए। रागिनी बस कर, अब ना बस और नहीं सहा जाता, मैं अब और भूखी प्यासी नहीं रह सकती। छाया दीदी, छाया दीदी, क्या है री, क्यों चिल्ला रही है? दीदी पानी दो ना, बहुत प्यास लग रही है। अब जो कहेंगे ना मैं करूंगी, प्लीज। अच्छा तू तो मान गई, पहले उस रागिनी को जाकर मना, वो मेरी बात माने, उसके बाद ही पानी दूंगी, समझी? बाहर निकल। क्या हुआ सर? बाहर आ, बाहर आ, ध्यान से देख, कहीं वही आदमी है? नहीं, ये वो नहीं। तू कहाँ जा रहा था? साहब वैसे तो मैं शर्मा जी के वहाँ जा रहा था, लेकिन अभी अभी सेठ जी का फोन आया कि उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, उन्होंने बताया कि बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो इसलिए वापस घर जा रहा हूँ साहब। कोई बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है, तुम जाओ शर्मा जी के वहाँ, जल्दी निकलो। ठीक है साहब, जल्दी निकलो। हाँ हेलो, हाँ शर्मा जी के यहाँ गाड़ी वाला बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया, पहचान भी करा लिया। हाँ लेकिन बाकी तीन जगहों पे जहाँ जहाँ भी बुकिंग कैंसिल हुई थी अच्छे से चेक करो। क्या? हाँ हाँ हाँ, उस पर नज़र रखो, और हाँ पूरी पुलिस फोर्स लगा दो। मैं ध्रुव को लेकर अभी आता हूँ, ध्रुव हमें अभी चलना होगा। चलो चलो। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं तो चल निकल, अपना काम कर, चल। हाँ बोल। जगन भैया यहाँ सब मामला फिट है, मैंने पुलिस को चकमा दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ लड़की को उठाने। चल ठीक है, कमाल ना, रखता हूँ। मान जा, और नहीं सहा जाता, प्लीज। ठीक है मैं तैयार हूं, दे दो इन लोगों को खाना। तो तैयार है? आप जो भी कहेंगी मैं कर लूंगी। ठीक है, तेरी बात पे यकीन करके अभी तो मैं सिर्फ पानी दूंगी, लेकिन आज रात तेरी सुहाग रात के बाद तुम सबको एक बढ़िया सी दावत दूंगी। बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो, छोड़ो मुझे। दरवाजा खोल वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगी। खींच इसको, खींच अंदर। खोल दरवाजा। मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक। कैसे नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, मुझे पता है। तू खोल दरवाजा।
दरवाजा खोल खोल जगन, तुम सब लोग को मार डालेगा। चलो मुझे आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमें यहाँ से भागने से कोई नहीं रोक सकता। तू दरवाजा खोल, नहीं खोलूंगी। तोड़ दूं तेरा हाथ, तोड़ूं? ठीक है ठीक है, छोड़ इसका हाथ, छोड़। जल्दी खोल दिया, चलो। ताला लगा है, क्या हुआ? ताला लगा है। चाबी यहीं कहीं होगी, ढूंढो। ढूंढ रहे हो ना? ढूंढ लो, नहीं मिलेगी। देखती हूँ कैसे निकलते हो तुम लोग। पता कहाँ है चाबी? नहीं बताऊँ। पता चाबी कहाँ है? कहाँ, मैं नहीं बताऊंगी। वो भी देख, पता चाबी कहाँ, मैं मारूंगी तुझे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। चाबी मिल गई, चलो जल्दी चलो। अंदर जाओ। अंदर जाओ। चल, चल। अरे बहुत नेता बनने का शौक चढ़ा है तुमको। जगन जगन, सुंदर दरवाजा बंद कर, काट डालूंगा। ध्रुव, बहुत चालाक समझते थे तुम सब अपने आप को। हाँ, हम पुलिस वाले ना तुम्हारे बाप है, समझे? वही आदमी है जो मजदूर बनकर बोर्ड लेके खड़ा था। किसी ने मुझे दूसरे रास्ते जाने के लिए कहा था, ये उसी गिरोह का नंबर है। बहुत दुल्हनों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, अब तेरी बारी, सड़ते रहना जिंदगी भर। ले चलो, चल। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। जा। चला जा। जाहिर है इन अपराधियों ने बड़ी चालाकी से अपने अपराध को अंजाम दिया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी थी। वो लापरवाही थी अनजान व्यक्तियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना। जगन को जया की हत्या, तमाम लड़कियों के अपहरण और उन्हें देह व्यापार में धकेलने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 364 और 372 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। छाया और सुंदर को लड़कियों का अपहरण करने और उन्हें देह व्यापार में धकेलने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 364 और 372 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। जब भी आप कोई किराए की गाड़ी या टैक्सी लेते हैं तो उसके ड्राइवर के बारे में पूरी मालूमात करना बेहद जरूरी है, और अगर आपको जरा सा भी संदेह हो तो फौरन पुलिस हेल्पलाइन 100 पर संपर्क करें। शादी जैसे मामलों में जहां बहुत भीड़भाड़ होती है,
बहुत से लोगों को तो आप ठीक से पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए शादी या किसी भी बड़े समारोह का आयोजन करते वक्त बेहद सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि हमारी जरा सी सावधानी हमें और हमारे अपनों को बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।